ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਸੁੰਦਰ ਬਾਣੀ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਕੁਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਅਸ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਪਾਉਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖਣਾ कि ऐसा नहीं करो कि पौनी इलाके की चौड़ी पौड़ी है तो पिछले इलाके की चौड़ी हो। अगर अगर चाहते हो डिवेलपमेंट करना पौनी की तो पौनी की कंस्टिट्यूंसी बनाया जा कि आगे पिछले जगह एरिया दूर दराज के एरिया पंचायत मारी है। मेरा नाम प्रकाश सिंह है, एक सारा एरिया मदार झंडी ठाकराकोट ये लोग सारे ने 100% आना चाहते हैं। मेरी दिल्ली तरह गल नहीं लोगों ने लोग दिल्ली इनका सारा कारोबार पौनी कहीं होना चाहिए। इनके पिछले बैंक के खाते है जब असं अरनाथ भाई गए लेकिन ये लोग अरनाथ जाने बिल्कुल राजी नहीं है। ये लोग आते हैं पौनी करने लाए जाए कंस्टिट्यूंसी पौनी बननी चाहिए और तक सारी पौनी डिवेलपमेंट हो सके। असं अरनाथ कहने जोड़े जा वह भी चंगा नहीं है क्योंकि लोग अगे बढ़ते पिछे नहीं बढ़ते। तो अस इये चीज़ तुसें बार बार अपने साढ़े DDC मैंबर और BDC चेयरपर्सन की भी अस ये चीज़ सुनाने कि मतलब जिन्नी भी साड़ी अवाम है पौनी ब्लॉक की उनकी एक डिमांड है कि जहाँ तक पौनी कॉन्शियसली बनाया जा रहा है। 25 साल बाद लिमिटेशन होने लगी पर अजय कोई मतलब कोई ऐसी गल नहीं कि एक दिन का गल है। जो साढ़े अपने मंडल प्रधान सुखशेर सिंह जी ने दसिया कि मतलब बड़ी देर बाद मौका मिला वा, ऐसा नहीं हो गया अस पिछे रही जाचे और अगर अज छोटी छोटी गल्ला लेइए अपन चलते रहोगे और साड़ा एरिया इं अगर कोई और दूई जगह लगी जा जियां पौनी अगर नहीं बनी सकी साड़ी अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं बनी सकी ओहदे कन्नै अस नुकसान में रहोगे। तो अज ज़्यादा समय नहीं लगते हुई ये आखना कि किसा मतलब सूरत कन्नै पौनी कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग बननी चाहिए। इसी भावें जो मर्जी एरिया लाओ साड़ा साड़ी जियां जम्मू डिस्ट्रिक्ट का एरिया आता साड़े कन्नै 3-4 पंचायतें उत्थे आंदियां जियां रजौरी डिस्ट्रिक्ट का एरिया आता लगे असी वो मंजूर है वो भावें लगे अरनास भावें लगे रियासी कॉन्स्टिट्यूएंसी साड़ी पौनी होनी चाहिए। अगर अस आखे नहीं साढ़ा अही रियासी कन्नै जोड़ी आए तो साढ़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम पौनी नहीं पै सकता तो रियासी गै रौह्ना कॉन्स्टिट्यूएंसी इन्ना ब्लाक सा जिस वेला सुंदर बनी तहसील बनी 5 पंचायत साड़ी सी अमदराई दियाँ वो सुंदर बनी कन्नै लाइया इन्हें तोड़ी लाता। जिस वेला अरनास तहसील बनी सारिया जड़िया 5 पंचायत उपर ठाकराकोट आलियाँ वो उधर लाइया वो इलाका अज भी साढ़े कोल है अस्पताल का लिहाज करने पनासा धोड़ी इलाका साढ़े कोल अज भी ब्लाक पौनी बच्चे है वो लेकिन साड़ी पौनी दी 5 पंचायत उस कन्ने लाइया 10 पंचायत साड़ियाँ तोड़िया ने और अज अस इन एडमिनिस्ट्रेशन आखना चाहते हैं जिहड़ियां 10 पंचायत सारिया पौनी ब्लाक दी तोड़ी दियाँ और ये पौनी कन्ने लाइया जा और पौनी कॉन्स्टिट्यूएंसी ना दिता जा कि छोटा ब्लाक नहीं है बड़ा वड्डा ब्लाक सा लेकिन इधर लीडरशिप की कमजोरी रही नहीं बोले लोग आस्ता आस्ता तोड़ते गए जिसकी जरूरत बनी और अज भी इं गल सुनने आवा रही है किश आखते पंचायत त्रोड़िया सुंदरबनी कन्नै लाओ ताकि वह कॉन्स्टिट्यूएंसी बने किश लोग आखते ये जड़ियाँ 11 पंचायत ये अरनास कन्नै लाओ ताकि उन्हें लोगों की कॉन्स्टिट्यूएंसी बना इतने लीडर ही चमका देन सारी अपनी सीट वास्तव कोई आता मैं उतू लड़ा कोई आता अगे चाहिए पब्लिक ही एकजुट हो जा सारी कोई पार्टी का सवाल नहीं है। कांग्रेस भी इतने रहनी BJP भी इतने NCP इतने सारे इतने रहना अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी बनो सारे लोगों की फायदा क्या गरीब है क्या अमीर है और जाए थोड़ी अस बंडोए रहो अदे ताए थोड़ी किश नहीं असी थोड़ा जोड़ा किश है अदे ये भी चली जाना। देखो पिछले थोड़े दिन की गल हुई 2-4 दिन की गल है मेरी तो अलग होती है जल्द उसी ग्राफिक तरीके कन्नै भी उस तरीके ने बनाया जाके पौनी ब्लाक की नुमाइंदगी भी लभे बाद च ऐसा नहीं होगा कि 30,000 वोट साढ़ा 70,000 वोट उपरा दा असें पौनी का नाँ देइए 70,000 इन्होंने जोड़ी दिता जा पौनी का कहीं लीडर बनी नहीं सकता पौनी का कहीं MLA ना पिछड़ा बनया तो ना अगड़ा बनना। साड़ी सोच ऐसी होनी चाहिए कि पौनी ठीक है कॉन्स्टिट्यूएंसी बने लेकिन उसी जोग्राफिकली भी ऐसे तरीके कन्नै जोड़िया जा ताकि पौनी के लोगों की नुमाइंदगी हो ना असं यही हो गया कुसै पिछे नमस्ते हर वेला करनी पवे। देखो पौनी कॉन्स्टिट्यूएंसी उल्ले बनी सकती जेल्लै साड़ी जम्मू अखनूर कॉन्स्टिट्यूएंसी त्रुट्टै जेल्लै सुंदरबनी आह्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी त्रुट्टै अरनास कॉन्स्टिट्यूएंसी त्रुट्टै भी साड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी सकती नहीं तो तुस झूठे सपने लै दे साड़ी पौनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बननी है नहीं बनी सकती और यह सिर्फ एक झूठा दिखावा है ओह्दे कशा बेस्ट है असीं रियासी कन्नै रखी दिता जा। मैं ये गल आखना कि आखनी नहीं चाहिए इतने सारी पार्टियों के लीडर बैठे हैं सारे कशा ज़्यादा जिम्मेवारी जल्द आती है जेडे BJP के रिलेटिड लोग हैं सरकार च वो बैठे दे सरकार की गाइडलाइन है सरकार ने कियां कॉन्स्टिट्यूएंसियां बनानियां मैं उन्हें सारे अगर रिक्वेस्ट करूँगा जी साड़ियां DDC कौंसलर मैडम
साढ़े सरपंच काफ़ी सारे जेडे उन्दे रिलेटिड बीजेपी कन्नै रिलेटिड न इंदे अगे मैं रिक्वेस्ट करा कि सारा भार पाउना जे तुंदे उपर ऐसा नहीं होइया कि साढ़े पौनी दे लोकें कन्नै कोई धोखा करी ओड़ो जां त्रोड़ ओड़ो पौनी दे लोकें जां ऐसी जगह जोड़ ओड़ो जिथे असें कोई फायदा नहीं होवे ना पौनी रही आ ते पौनी ही रवै पूरी उम्र ये पूरी नहीं होनी भी मेरे आखने गल मैं साफ गल करा ना कि उस तरीके की सोच बनाओ कि नुमाइंदगी साड़ी पौनी की रवै साड़ा पौनी दे जेहड़े बच्चे असें अस सरपंच धोड़ी पुज्जी है ठीक है बड़ा इन्ना भी है लेकिन होई सकदा और साढ़ा गुआढ़ी का कुछ बच्चा एम एल ए की ख्वाहिश भी रखता हुआ और कोई साढ़ा दोस्त का बच्चा एम एल ए की ख्वाहिश रखता हुआ लेकिन वो लड़ी ओ लग सकता जेल्लै एल्लै अस जोग्राफिकली इसी ठीक तरीके कन्नै साढ़े कंधे पर अगर एल्लै गौरमेंट ने कमांड दी दी अस इसी इस तरीके कन्नै अस बनाचै कि साढ़ी इतों पौनी की नुमाइंदगी होना मीनस के भांबलिया लेइयै उपर धोड़ी जिन्ना इलाका है जेड़ा जेड़ा एल्लै असेंगी एरिए साढ़े सामने आवा दे वह भी तुसें ही पता है जियां असें सुनने ही आवा रियासी कटरा भुआग मे बी वन कंस्टिचुएंसी इयै गल है जी और बाद पौनी ठाकराकोट अरनास मे बी वन कंस्टिचुएंसी इयै गल है एक नवी गल होर भी आई जी डेड बजे बाद शायद तुसें नहीं पता होना मेरे ख्याल में भी थोड़ा थोड़ा मैसेज फ्लैश होता होना भुमाग अरनास ठाकराकोट मे बी का कंस्टिचुएंसी लेकिन यह भी गल है जी बननी उवे बननी साढ़े लोगों का इलाके सारा 32-33 हज़ार वोट है जिस तरह मेरे अपने बुजुर्ग इलेक्शन सामने आख्या कि साढ़ा 45,000 वोट है क्योंकि साढ़ा एम एल ए नहीं बन सकता अगर 23,000 वोट है एम एल ए बन सकता साढ़ा 35,000 वोट है असं पौड़ी का अपना एम एल ए भी बना सकते अगर अगर साढ़े न किसी गल का कोई धोखा करता है जनाब इस टाइम अगर सामने कोई धोखा करे फिर मेरे मैं गुस्सा की माफ अगर मैं शायद अज मैं बोलूंगा कि बीजेपी के खिलाफ बोलूंगा मैं खिलाफ नहीं बोलूंगा अगर ये धोखा होता है तो धोखा सर बीजेपी वाले करेंगे क्योंकि अज अंदर बैठे थे क्योंकि गौरमेंट उन्होंने है इस करके भीर मेरे मैं तो करके तो पहले गल आखी है अगर तुम्हें तो खड़े होना पड़ेगा साढ़े राइट अगर अपना लेना कई बार माँ प्यो भी लड़ना पैंता अगर तुम अपना राइट लोगे कई बार माँ प्यो भी लड़ना लड़ना पैदा इस करके भ्राओ पिछ नहीं दस्यो तो कंस्टिचुएंसी कुछ नजर जल्दी सब तो पहली गल जनाब दूसरी गल जिस तरह मेरे वीर अनिल ने आख्या जिस तरह मेरे लैक्चरर साहब ने आख्या कि जनाब अस डिप काम साहब तक भी गए शायद उसने है सा गए असी सा चेयरमैन साहब है विकास हो रहे ओबली हो रहे चार पाँच बंदे असी बोलरा हो रहे शायद असी चेयर डिप काम साहब भी मिले क्यों हॉस्पिटल की गल भी की शायद उस टाइम पर तुम्हें तो काफ़ी 2 साल हो गए तो इसे चक्कर ही पे कि पौनी कंस्टिचुएंसी जी बखरी बननी चाहिए है देखिए जो हमारा आज का यहाँ पे एजेंडा था पीछे होने का जो मीटिंग थी हमारी वो आपको पता ही है कि थोड़े दिनों के बाद यहाँ पे जो डी इमिग्रेशन कमीशन है वो आ रहा है और हमारे लोगों के सब के वो व्यूज़ लेंगे जो चुने हुए नुमाइंदे हैं जो अलग अलग यहाँ पे हमारे पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं उनसे पूछेंगे कि आपकी क्या डिमांड है तो उसी के विषय पे हमने आज यहाँ पे मीटिंग रखी और सब सरपंच पंच और जितने भी हमारे जहाँ के सीधा सीधा लोग थे पौनी से वो सब आए थे और उन्होंने अपने अपने आपने पहले देखा ही है कि व्यू रखे उन्होंने अपनी अपनी बात सुनाई और हमने सुनी और इन सब की बातों को सुनने के बाद हमारा ये निर्णय हुआ कि इन लोगों की जो आवाज़ है इन लोगों का कहना है कि हमारे पौनी को जो है वो अलग से विधानसभा क्षेत्र जो है वो दिया जाए ताकि आने वाले समय में हमारी जो पूछते हैं वो भी आगे डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़े तरक्की की ओर जाएं अगर सरकार ने हमारी बात को जो है अनदेखा किया और हमारी बात नहीं सुनी और पौनी के नाम पर जो पौनी विधानसभा क्षेत्र है घोषित नहीं किया तो जो आगे आने वाले मतदान होगा चुनाव होंगे उनमें ये सभी पौनी ब्लॉक के लोग हैं वो बहिष्कार करेंगे और बॉयकॉट करेंगे इलेक्शन का सर विधानसभा क्षेत्र कैसे बन सकता है कितने वोटर हैं यहाँ पे 28,000 वोटर हैं वो बात आपकी सही है 28,000 वोटर है हमारा काफ़ी सारे एरियाज हैं जैसे आपने पहले सुना कि हमारी 10 पंचायतें थी वो इन्होंने कट कर दी 5 उधर लगा दी 5 की साइड लगा दी तो हम चाहते हैं कि जैसे ठाकराकोट एरिया है हमारे साथ कोई भी एरिया जोड़ दें हम उसका वेलकम करते हैं और हमें पौनी जो है वो अलग से विधानसभा क्षेत्र चाहिए सर सुनने में आ रहा है जो डी इमिग्रेशन हो रही है जो इंटर डिस्ट्रिक्ट में हो रही है जो अलग डिस्ट्रिक्ट हैं वो इनके साथ नहीं जुड़े नहीं इंटर डिस्ट्रिक्ट नहीं जाएंगे विद इन डिस्ट्रिक्ट ही करेंगे जैसे हमने सुना है हम उसी के आधार पर ये बात कह रहे हैं कि आप हमारे साथ कोई भी एरिया लगा दीजिए
हमें पौनी जो है अलग से विधानसभा क्षेत्र चाहिए, हमारी जनता को चाहिए। हम जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि लोग हैं, हम जनता की आवाज को बुलंद करेंगे और जनता के साथ ही जो जनता हमें कहेगी हम वही मानेंगे। अगर सरकार विधानसभा क्षेत्र नई नई घोषित करती है तो फिर आप क्या करेंगे? वो पहले ही हमने बता दिया, जनता हमारी बोल रही है कि आने वाले जो चुनाव होंगे, जो मतदान होंगे, उसमें हम बहिष्कार करेंगे और कोई भी यहाँ पे बाइकाट करेंगे, सब लोग कोई वोट नहीं डालेंगे। देखिए, मैं DDC पौनी रीता शर्मा, मेरी जो 12 पंचायतें हैं, 12 पंचायतें हैं पौनी की और 11 पंचायतें हैं पौनी ए की, तो वो आज सारे सरपंच, पंच, वाइस सरपंच, जितने भी सीनियर सिटीजन सारे इकट्ठे हुए हैं आज इधर। तो उनकी ये मांग है कि हमारे जो पौनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये पौनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बननी चाहिए और ठाकरा कोट और अरनास जो हमारे साथ लग जाए, जो भी इलाका हमारे साथ लगना चाहता है पौनी के साथ लग जाए वो ठीक है, वरना पौनी किसी के साथ नहीं जाएगा। नहीं तो हम ऐसा कोई छेड़खानी ना करें और हम जो उनकी आवाज में डीसी ऑफिस में वो किसके लिए टीम है, उसके लिए भी मैंने यही बोला है, हमने यही मांग रखी है कि हमारी अगर कॉन्स्टिट्यूंसी बनेगी तो पौनी, नहीं तो हमें हमारे साथ छेड़खानी नहीं की जाए, हम रियासी का साथ ही रहेंगे। ठीक है, शुक्रिया। भाजपा के मंडल प्रधान है, अब कॉन्स्टिट्यूंसी अलग हो रही है, आपके क्या विचार हैं? देखो, मेरा जो विचार है, हम जनता के जो विचार हैं तो उनके रिलेटेड ही हमें चलना पड़ता है। मैं अपना जो दायित्व है मंडल अध्यक्ष, उसके नाते से मैंने ये ऑब्जर्व किया है पूरे मंडल में, डोर टू डोर पोलिंग, हर पोलिंग बूथ पर मैंने विजिट की है थोड़े दिनों के अंदर, और हर जगह पर हमें यही संदेश मिला है कि जो पौनी के साथ जो भेदभाव होता रहा है पिछले दिनों में, पिछले सालों में, वो ऐसा आगे इन फ्यूचर में ना हो। जैसे पौनी का कुछ पहले कुछ पंचायतें हमारी कट करके जो ठाकराकोट के साथ टच कर दी गई, कुछ पहले जो रजौरी के साथ टच कर दी गई, जैसे देवहतल वगैरह करके, तो मैं मानता हूँ कि पौनी को एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है और बहुत सेफ कॉन्स्टिट्यूंसी है, और इसको पौनी को द्वारा पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी बना दिया जाए और बड़े ही अच्छे मार्जिन से यहाँ से सीट जीत जाएगी अपने संगठन के माध्यम से, ये मैं मानना चाहता हूँ। और बाकी शिवखोड़ी जो स्थान है वो एक विश्व प्रसिद्ध स्थान है, और अगर जहाँ जो शिवखोड़ी पौनी मंडल में आता है, पौनी में आता है, और हमारा जो मानना है, आज यहाँ 15 सरपंच बैठे हुए थे पौनी सरौनी के, और 15 सरपंचों के साथ पंच भी थे, सीनियर लोग भी थे, और बीच में और सीनियर सिटीजन वगैरह आते हैं, उन सब का जो मानना है कि पौनी एक हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी बननी चाहिए, अदरवाइज हमें कोई भी फैसला मंजूर नहीं है। इसके लिए लोग किसी भी हद तक जाने के लिए मंजूर हैं, ताकि पौनी अगर कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बनेगी तो लोग लड़ने के लिए रोड पर, इसीलिए पंच सरपंच जहाँ बैठे हुए थे, ये भेदभाव नहीं सहन करेंगे लोग, ये ऐसा मेरा मानना है। फिर आपका साथ किसके साथ रहेगा? हमारा साथ जनता के साथ है, जहाँ जनता जाएगी वहाँ हम है। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है कि असली कॉन्स्टिट्यूंसी जेडी सारी पौनी होनी चाहिए। हां, पौनी 28000 वोटर है, वो कॉन्स्टिट्यूंसी लगती है उसमें? थैंक यू।